स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में सर्कल चैप्टर के लिए करेंगे। 9th क्लास के रूल्स अपने वैसे ही रहेंगे, सिर्फ उससे आगे के लिए चलेंगे। सिर्फ 2 या 3 थिंग्स न्यू आती हैं और कुछ नहीं। जैसे 1 थिंग्स इज सीकेंट ऑफ ए सर्कल, एक लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज सेड टू बी ए सीकेंट, कि एक हमने लाइन यूज़ कर दी, ये लाइन यूज़ कर दी, इसने सर्कल को अगर हम देखते हैं तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग नेम क्या आ जाएगा इसका, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अगर एक लाइन ऐसी है जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर, तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा। थर्ड थिंग्स होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, ये टेंजेंट हो जाएगी और ये सर्कल, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या था जिसके लिए हमने सी की यूज़ किया था, इसका नेम क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अंदर मेन 2 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम्स अपनी ये है, कहते द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एनी पॉइंट यानी कि एक टेंजेंट हमने यूज़ कर दी, इट्स नेम इज़ पी क्यू, इसका नेम हमने यूज़ कर दिया फॉर ए, पी क्यू इज़ द टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि सर्कल को सिर्फ अगर हम देखते हैं तो ये सर्कल को सिर्फ इंटरसेक्ट करेगी ओनली फॉर ए 1 पॉइंट, ये अपने लिए बन जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट और एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमने प्रूव करना है कि ये इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि टू प्रूफ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं इसमें, गिवन थिंग्स तो सिर्फ यही थे कि वो टेंजेंट है, प्रूव हमने ये करना है कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये चीज़ हमने यूज़ करनी। नेक्स्ट यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, टेक ए पॉइंट, जैसे ए तक आ गया, इसका नेम बी रख दिया हमने, टेक ए पॉइंट बी ऑन पी क्यू, पी के ऊपर कहीं पर भी हम एक पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया बी, इसको हम इसके साथ जॉइंट कर देते हैं, ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नेम हमने सी यूज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रूफ यूज़ करते हैं। प्रूफ के अकॉर्डिंग तो अगर हम देखते हैं तो ओ ए इज इक्वल टू किसके होगा, ओ सी के, रीज़न इज फॉर इक्वल रेडियस, ये इक्वल रेडियस ही है, यानी कि ओ से लेकर ए और ओ से लेकर सी, ये ऑलरेडी रेडियस है सर्कल की, ये इक्वल रहेगी। नेक्स्ट थिंग्स अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ रह जाती है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस बी सी के, यानी कि फुल लाइन का क्या नाम है, ओ बी फुल लाइन, यानी कि इज इक्वल टू किसके होगी, सम ऑफ द पार्ट्स, सम ऑफ द पार्ट्स क्या बनते हैं इसके, ओ बी ओ सी प्लस बी सी। लेकिन इसका कंपेरिजन करना हमने कि ओ बी इज ग्रेटर देन किससे, ओ सी से, यानी कि फुल लाइन एक पार्ट से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, यानी कि लिखना है रीज़न लिख सकते हो, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो ओ बी के लिए ओ बी इज़, लेकिन ओ सी किसकी इक्विलेंट थी, ओ ए के लिए, यानी कि अब इन दोनों लाइंस का कंपैरिजन करना था हमने मेन, कि ओ बी इज़ ग्रेटर देन किससे है, ओ ए से, ये चीज़ हमने ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि ओ ए क्या रहेगी, अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, यानी कि ओ ए इज़ ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन पी क्यू ज्वाइनिंग विद सेंटर, यानी कि ओ से लेकर ए जो डिस्टेंस हमने यूज़ की थी ये हमेशा छोटी रहेगी, लेकिन किससे, कोई भी पॉइंट आप एनी पॉइंट टेक करते हो ऑन द पी क्यू, ऑन द पी क्यू यानी कि लाइन जो अपनी टेंजेंट थी, टेंजेंट पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ये हमेशा उससे छोटी रहेगी, अगर इस पॉइंट को हमने किसके साथ मिलाना है, सेंटर के साथ, तो ये अपने लिए क्या बनेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक चीज़ ये देखा करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक रूल होता है इसमें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, एक लाइन के बीच में इज परपेंडिकुलर,
कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट के और एक लाइन के बीच में, वो हमेशा 90 यानी कि परपेंडिकुलर लाइन पर ही हो सकती है। हेंस ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये चीज़ हमारे लिए प्रूव हो जाती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इसमें परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट जो अपनी मेन थ्योरम है इसमें से सेकेंड, वो ये होती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स है यानी कि अब एक नहीं है दो होंगी, यानी कि टू एंड मोर देन टू हो जाती है, ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक वैसे तो एक सर्कल की हम कितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी होती हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमने ड्रॉ करनी है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स गिवन है तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ टू ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वन, और ये अपने लिए हो जाएगी इसकी सेकेंड। गिवन थिंग्स के लिए अगर हम देखते हैं तो गिवन सिंपल सा है, वो अपने आप ही यूज़ कर सकते हो। गिवन क्या है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स विद सेंटर ओ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। टू प्रूव, प्रूव एक्चुअली में हमने क्या करना है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करके दी गई थी पी ए एंड पी बी, ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन क्या रहना है, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ ज्वाइन करना, हमने ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी को, इनको ज्वाइन करना हमें, एक तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। अब अपने पास ये रह जाएंगी प्रूफ के लिए टू ट्रायंगल्स, इन टू ट्रायंगल्स को हम करें कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि फर्स्ट ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो पी ए ओ है एंड सेकंड ट्रायंगल नेम इज पी बी ओ, इन टू ट्रायंगल्स को हम करें तो ओ पी दोनों के, फर्स्ट एंगल ये है अपनी, सेकंड ये है, दोनों के अंदर जो ओ पी है, ओ पी इज़ द कॉमन लाइन सेगमेंट, ओ पी इज़ द कॉमन साइड। इसी तरह से इसमें से देखते हैं तो एंगल ए का यूज़ होता है और इसमें से एंगल बी का यूज़ होता है, यानी कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अभी हमने थ्योरम की थी कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, सिंबल डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। कि एक टेंजेंट की अगर हम बात करें कि एक टेंजेंट जो होती है वो एक रेडियस पर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होती है, ये अपनी फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड नेक्स्ट थिंग्स अगर हम देखते हैं तो ओ ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने चेक करते रहना, ओ ए इज इक्वल टू किसके, ओ बी के, द रीज़न इज फॉर इक्वल रेडियाई, ये इसका रीज़न हो जाएगा। तो इट्स मीनिंग ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी बी ओ। अब रीज़न क्या थी, ये साइड थी, ये भी साइड थी, यानी कि हाइपोटेन्यूस आ गया था, 90 डिग्री का एंगल भी आ चुका था। तो इसका मीनिंग किससे हमने यूज़ किया, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू आप किसके यूज़ कर सकते हो, पी बी के, द रीज़न इज़ फॉर सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये अपने लिए थ्योरम प्रूव हो जाएगी, सिर्फ टू थ्योरम्स है इसकी मेन। फिर इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल से इसका यूज़ करें हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फाइंड आउट करनी है। एक टेंजेंट हमने यूज़ कर दी, जैसे कि ये पी ए, ए पी ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7, ये रेडियस हमें दी गई है इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे, और ये पॉइंट था अपना, तो पॉइंट से कितना है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल। लेकिन मेन चीज़ इसमें से फर्स्ट थ्योरम होती है अपनी, सबसे पहले आपको ये एंगल यूज़ करना है कि ये एंगल जो है पी ए ओ ये 90 डिग्री का है। इसका रीज़न आपको यूज़ करना मेन कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ये हमें रीज़न देना है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्लियर सी बात है ये अपने लिए क्या बन जाएगी, राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है ये वर्क किसका करती है, हाइपोटेन्यूज का, यानी कि ये अपने लिए बेस और ये अपने लिए परपेंडिकुलर। तो बेस हमने फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है, एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर के। इस वक्त बेस क्या अपने लिए, पी ए है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ पी है, परपेंडिकुलर अपने लिए ओ ए है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो इट्स मीनिंग ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो ये लाइन अपने लिए वर्क किसका करेगी, एज ए हाइपोटेनिस के लिए। यही हमने इस थ्योरम के अंदर किया था, इसलिए हमने रूल आरएचएस का यूज़ किया था।
ओपी की लेंथ हमें दी गई है 25, ओए की लेंथ है 7, तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे 625, 7 का करेंगे तो 49, यानी कि ये रह जाएगा 576। तो पी ए के लिए हमारे लिए 576, 57 इसका अंडर रूट करेंगे तो ये अपने लिए क्या आ जाएगा फॉर द 24 सेंटीमीटर के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कोई भी अपने लिए कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, एक चीज़ और ध्यान में रखा करो कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस सर्कल के चैप्टर से, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख दिया करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।